हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का काफी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, जिसमें हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे हमारा जो केएस प्री है, जेकेएस, उसका जो प्री अभी होने वाला है 10 नवंबर को, उसका सिलेबस हम एक बारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो उनके लिए भी है जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, एंड उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने ऑल्दो स्टार्ट तो किया है लेकिन उनको अभी तक सिलेबस जो है वो समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या आपको चीजें इसमें स्टार्ट करनी है। फाइन, तो एक बार ही आप सिलेबस देख लो, मैं आपको भी सिलेबस दिखाती हूँ। ये आपका सिलेबस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको पढ़नी है इसमें। पहला है आपका करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ये ठीक है, ये हम बाद में, विल कम बैक टू दिस लेटर। आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड साइंस, तो ये आपके 6 सब्जेक्ट्स रहते हैं अलोंग विथ करंट अफेयर्स। ठीक है, अब इन सब्जेक्ट्स को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि हमें किस सब्जेक्ट में से कितना पोर्शन करना है एंड कौन सा पोर्शन जो है जहां से आपके क्वेश्चन मेजोरिटी आते हैं। ठीक है, तो एक बारी हम फिर से बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो ये हुआ आपका केएस प्रीलिम्स। ठीक है, उसका सिलेबस, तो पहला सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री। तो पहले देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हिस्ट्री का जो आपको कवर करना है एग्जाम के लिए, जो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उसमें से पहला होगा आपका एंशियंट हिस्ट्री, सेकेंड वन इज योर मिडिवल हिस्ट्री एंड थर्ड इज योर मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, जो कि तीनों पार्ट्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले के इसमें क्या होता था, यूजुअली एंशियंट हिस्ट्री जो है उससे क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन फिर वो ट्रेंड चेंज हुआ, अब आप एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी जो है केएस में अच्छे खासे देखोगे। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री हमें प्रीलिम्स में कवर नहीं करना होता है, वो हमें मेंस में कवर करना होता है। ठीक है, तो एंशियंट हिस्ट्री का करंटली मैंने यूट्यूब पे कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप जो एंशियंट हिस्ट्री है उसके वीडियोस देख सकते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट उसका कंप्लीट हो गया है एंड ऋग्वेद जो है वो नेक्स्ट लेक्चर से अब स्टार्ट होने वाला है। फाइन, तो एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, ये आपको करना है मॉडर्न हिस्ट्री टिल 1947, जब तक इंडिया को आजादी हुई तब तक पूरी हिस्ट्री में क्या हुआ, एंशियंट टाइम से जो एंशियंट सिविलाइजेशन, अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम सुना होगा, इनफैक्ट उससे पहले भी का टाइम जो था, पैलियोलिथिक एज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वहां से इंडस वैली से लेकर लेट 1947 तक हिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कौन सी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स चली, इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स, वो आपको सारी याद करनी है। ठीक है, हिस्ट्री के लिए आप रिमेम्बर इसको करने के लिए, लर्न करने के लिए बेटर टेक्निक क्या रहेगी, आप क्रोनोलॉजी फॉलो करो, आपको पता होना चाहिए क्रोनोलॉजी वाइज कब क्या हुआ था। ठीक है, जैसे आपको पता होना चाहिए, अच्छा पहले एक एक्ट आया था, उसके बाद एक मूवमेंट चली थी, उस एक्ट का कॉन्सिक्वेंस था वो मूवमेंट, फाइन, फिर उस मूवमेंट का कुछ रेपरकशंस हुए थे, तो गवर्नमेंट ने कोई और एक एक्ट लेके आए थे उस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसे करके आपको अपना हिस्ट्री जो है वो कवर करना है। ऐसे आपको क्या होगा, जो आप रिविजन करोगे चीजों का, रिवाइज करना, मेमोराइज करना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो क्रोनोलॉजी का ख्याल आप रखोगे हिस्ट्री में। हिस्ट्री के साथ ही हमारा और एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, वो भी हिस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं आर्ट एंड कल्चर। देखो, आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री से कैसे जुड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हम जो एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें हम कोई ये पढ़ रहे हैं, कोई एक एम्पायर पढ़ रहे हैं, जैसे हमने मौर्यन एम्पायर पढ़ी, तो आर्ट एंड कल्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि मौर्यन एम्पायर में क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी, क्या इंपॉर्टेंट आर्ट था, क्या आर्किटेक्चर था, क्या क्राफ्ट था वहां का। ठीक है, और कौन सी ऐसी चीजें थी, पेंटिंग्स वगैरह, म्यूजिक, अगर ये सारी चीजें वो फॉलो करते थे तो कौन से किंग्स जो थे वो फॉलो करते थे। ठीक है, कौन से लोग जो है इनके साथ एसोसिएटेड होते थे, तो ये सारी चीजें आप आर्ट एंड कल्चर में देखोगे। फाइन, जैसे हम बुद्धिज्म पढ़ते हैं, ये वो हम उसको रिलीजियस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, लेकिन फिर बुद्धिज्म में आके जो बुद्धिस्ट टेम्पल जिनको स्टूपास वगैरह बोलते हैं, ठीक है, जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हो गए, वो कहाँ कहाँ बनाए, उनमें क्या टेक्निक फॉलो होती थी, वो सारा किसका पार्ट आ जाता है आपका, आर्ट एंड कल्चर का। तो वो आपको आर्ट एंड कल्चर में कवर करना है। जो आर्ट एंड कल्चर है ये आपका प्री में भी आता है प्लस आपका मेंस में भी आता है, इसीलिए आपको ये अच्छे से पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो इसमें जैसे पेंटिंग्स हम पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें हम डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक पढ़ते हैं, हिंदुस्तानी म्यूजिक, ठीक है, इसमें हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डांसेस पढ़ते हैं, इसमें हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पेंटिंग्स के बारे में पढ़ते हैं. डांसेस एंड पेंटिंग्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. उसके बाद जो बुद्धिज्म या जैनिज्म आपका है, ये दो इंपॉर्टेंट रिलीजन जो हैं, ठीक है, ये जो एरा थे इसके टाइम पे क्या आर्ट, आर्किटेक्चर वगैरह क्या सारी चीजें होती थी, वो सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. फिर फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म थोड़ी हमें इसमें पढ़नी होती है, कुछ स्कूल्स हैं वो 6 स्कूल्स वो हमें यहाँ पे देखने होते हैं फिलोसफी, ठीक है. जैसे हमने मिडिवल में हमने मुगल हिस्ट्री पढ़ा होगा, फिर आर्ट कल्चर में आप देखोगे मुगल हिस्ट्री में कौन से इंपॉर्टेंट वहां पे मोन्यूमेंट्स थे, अगर कोई मस्जिद थी तो क्या स्टाइल फॉलो करते थे, उनका कैसा किस टाइप का आर्किटेक्चर होता था, और कौन सा किंग किसी एक स्पेशल डिजाइन के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, फाइन. ये सारी चीजें आप किसमें पढ़ोगे, आर्ट एंड कल्चर में. तो अगेन आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, देखो क्योंकि अनप्रडिक्टेबल एग्जाम होता है, कोई ये श्योर शॉट नहीं बोल सकता कि आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं. हो सकता है आपके पेपर के पहले 20 क्वेश्चन वो आर्ट एंड कल्चर के दे दें, या हो सकता है वो कोई क्वेश्चन ना दें आर्ट एंड कल्चर का. तो आपको हर जो आने वाला बैटल है अब आपका केएस का, आपको उसके लिए हर एंगल से खुद को रेडी रखना है, ठीक है. तो ये हो गया आपका हिस्ट्री वाला पार्ट. और सेकेंड कंपोनेंट हमने क्या देखा था आपका, ज्योग्राफी. तो ज्योग्राफी में आपको क्या कवर करना है, इसमें हम देखते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी में हमें कुछ प्रोसेसेस पढ़ने होते हैं, जैसे आपने वॉल्केनोज सुने होंगे, लावा, ठीक है, वॉल्केनिक एक्टिविटी, वॉल्केनिक एक्टिविटीज, अर्थक्वेक्स या टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटी, अर्थक्वेक, टेक्टोनिक एक्टिविटी, वो सारी चीजें हमें किसमें पढ़नी है, इसके जियोमॉर्फोलॉजी वाले कंपोनेंट में. फिर इसका आता है क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी में आप डिफरेंट क्लाइमेटिक पैटर्न्स, क्लाइमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया के और बोथ वर्ल्ड के जो है वो आप देखते हो. तो ये स्पेसिफिकली इसके लिए आपको जीएस लियोंग बुक खरीदनी होगी, उसमें क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट अच्छे से देखे, ठीक है, जीएस लियोंग. एंड देन इज योर पीडियोलॉजी, इसमें थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल्स वगैरह उसके बारे में देखोगे. फिर है ओशिनोग्राफी, ओशिनोग्राफी, ठीक है, एंड द लास्ट वन इज योर हाइड्रोलॉजी. ठीक है, अब देखो इसमें और भी है सिलेबस में, अगर आप देखोगे सोशल ज्योग्राफी भी होगा जिसमें लैंग्वेज, रिलीजन, ट्रेडिशन होता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी रिटर्न होगा जिसमें आपका जैसे ट्रेड के रिलेटेड चीजें होगी, इंडस्ट्रीज हो गया, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वो सारी चीजें भी आपको थोड़ा थोड़ा पता होनी चाहिए, जैसे कौन सा इंपॉर्टेंट मिनरल किस स्टेट से मिलता है, कहाँ पे किस चीज की एक्सट्रैक्शन होती है, ठीक है. तो ये सारी चीजें भी आपकी ज्योग्राफी का पार्ट आएंगी. प्लस आपको इसमें पढ़ना होता है जैसे फिजिकल ज्योग्राफी आप पढ़ोगे, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट माउंटेन्स जैसे हैं, या इंडिया में आप पढ़ोगे इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी, तो इंपॉर्टेंट रिवर्स, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, उनका सारा डिस्ट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स. तो बेसिकली टोपोग्राफी आपको पढ़नी होती है, ठीक है. तो वो सारी चीजें आप किसमें पढ़ते हो, फिजिकल ज्योग्राफी में. एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी इसका पार्ट होता है. पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आप कौन सा चीज पढ़ते हो, स्टेट्स जैसे हो गई, इंपॉर्टेंट स्टेट्स, उनकी बाउंड्रीज, अगर किसी स्टेट की इंटरनेशनल बाउंड्री है, ठीक है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर की कुछ बाउंड्री पाकिस्तान के साथ है, फाइन, वैसे ही म्यांमार के साथ किसकी बाउंड्री है, वेस्ट बंगाल की किन कंट्रीज के साथ बाउंड्रीज हैं, तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो बेसिकली फैक्चुअल ही होता है सारा जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं हम, उसमें सारी फैक्चुअल चीजें जो होती हैं वो आपको पढ़ने से, मैंने अभी कहा बाउंड्री शेयरिंग मोस्टली इसमें ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं. कोई इंपॉर्टेंट सी हो गया, जैसे उसके इर्द गिर्द कौन सी कंट्री, जैसे मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है,
तो उसकी बाउंड्री में कौन सी कंट्रीज हैं, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सीज, उनका आपको ये सारी चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। तो ये किस में आता है आपका, ये आपके ज्योग्राफी का पार्ट आता है। ठीक है, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया। थर्ड वन इज योर पॉलिटी। पॉलिटी में आप क्या करोगे, लक्ष्मीकांत यूजुअली फॉलो की जाती है पॉलिटी के लिए, तो इसमें आपको क्या करना है, लक्ष्मीकांत का जो फर्स्ट चैप्टर है वहां से लेकर फंडामेंटल ड्यूटीज तक, ये तो आप जरूरी आपको करना है। प्लस ये बुक काफी बड़ी है तो इतने टाइम में आप सारी कवर नहीं कर सकते, जैसे पंचायती राज हो गया, ठीक है, उसका कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं वो आप जो है वो याद करोगे। प्लस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर, ठीक है, इनके आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कि कौन से आर्टिकल में इनके बारे में क्या लिखा हुआ है, इनकी क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, एंड इनके बारे में कुछ चीजें पढ़ोगे। प्लस हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जैसे आपका कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, आपका यूपीएससी हो गया, स्टेट पीएससी हो गया, इन चीजों के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लक्ष्मीकांत पे आपको सेपरेट चैप्टर मिल जाएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, एक एक दिन में आपके ये चार चार पांच पांच चैप्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, प्लस लोकपाल एक्ट, ठीक है, लोक आयुक्ता एंड आपकी बॉडीज, जैसे आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया, वो इसी में आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इन एडिशन टू आपका फर्स्ट चैप्टर टिल फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारी चीजें जो है आपकी एग्जाम से पहले आपने पढ़ा होना चाहिए एंड आपका जो रिविजन है वो हुआ होना चाहिए। तो हिस्ट्री पॉलिटी हिस्ट्री हो गया आपका, ज्योग्राफी पॉलिटी थर्ड, फोर्थ वन लेट्स मूव ऑन टू इकोनॉमी। इकोनॉमी में कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, जरूरी पढ़ने होते हैं, वो हो गया, उसमें पहले आपका आएगा जीडीपी वाला, जीडीपी कैलकुलेशन, उसके सारे मेथड्स वो आप करोगे। फिर आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे आपका मनी रिलेटेड हो गया, ठीक है, आपका बैंकिंग इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें बैंकिंग के इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस क्या है वो आपको देखना है, फाइन। फिर आपका टैक्सेशन के रिलेटेड एक चैप्टर होना चाहिए जिसमें सारे जो टैक्सेस हैं उसके बारे में आप पढ़ोगे, जीएसटी के बारे में पढ़ोगे, रेवेन्यू गवर्नमेंट को आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, किससे ज्यादा रेवेन्यू आता है, वो सारी चीजें। फिर आपका एक एक्सटर्नल सेक्टर वाला चैप्टर होगा जिसमें आप, अगर आपने सुना होगा फॉरेक्स रिजर्व्स वगैरह, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेक्स रिजर्व, जो हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होती हैं कंट्रीज की आपस में गुड्स एंड सर्विसेज को लेके, वो सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ोगे एक्सटर्नल सेक्टर में, एंड आपका इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये सारे नाम जो है चैप्टर्स के अपने नोटबुक पे लिख लो, एंड जो मैंने अभी तक सारा बताया, इससे क्या होगा, इससे आपको थोड़ा एक आइडिया मिलेगा कि क्या क्या चीजें जो है आपको इसमें कवर करनी है। आई नो ओवरवेलमिंग हो जाता है, काफी ज्यादा चीजें कवर करनी है, बट देन आपको पता होना चाहिए बट यू गाइज आर साइनिंग अप फॉर, ठीक है, ये एग्जाम्स क्वालिफाई करना इज नो जोक, तो आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो फोर हो गया, फोर्थ वन आपका इकोनॉमी हो गया, फिफ्थ वन आपका एनवायरमेंट हो गया, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट बुक आती है शंकर आईएएस एकेडमी की, तो वो बुक आप पढ़ लो, ठीक है, उसके अगर कुछ ही चैप्टर्स आप कवर कर पाओगे, जैसे उसके 10-15 चैप्टर्स आप पढ़ लो, फर्स्ट 10-15 चैप्टर्स, तो आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस वहां से आ जाते हैं। वो आपका एनवायरनमेंट, इसमें इकोलॉजी, इकोसिस्टम, ये सारी चीजें, फूड पायरामिड, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, इंडियन बायोडाइवर्सिटी, फिर स्केड्यूल्स, इंपॉर्टेंट स्केड्यूल होते हैं कुछ वो देखना, फिर आपके कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो दी हुई होंगी शंकर आईएएस एकेडमी की बुक पे आपको मिल जाएंगी, एनिमल डाइवर्सिटी वगैरह, प्लांट डाइवर्सिटी, वो सारी चीजें आपके एनवायरमेंट में आती है। देन इज सिक्स वन इज जनरल साइंस। अब देखो यहाँ पे जो मेन्स में आप साइंस पढ़ते हो दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ साइंस, लेकिन प्रीलिम्स में आपको जनरल साइंस पढ़ना होता है, तो वो आप बेसिक 8 to 10 एनसीईआरटी से अगर साइंस की चीजें पढ़ोगे तो उसमें वो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, अगर वो पूछने पे आए तो बीच में काफी कंफ्यूजिंग या डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं, पर जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं चीजों के लिए तो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दोज क्वेश्चन जो इजिली सॉल्व हो जाए, जो ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स कोई क्वेश्चन आ गया वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से गलत ही हो जाता है, ठीक है, तो उन चक्रों में नहीं पढ़ना है।
ठीक है, कि आपने किसी एक पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन देखा हो जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स है, एंड आप उसी क्वेश्चन के जो टॉपिक्स है उसी के रिगार्डिंग सारी रिसर्च करके अपना टाइम वेस्ट करो, वो नहीं करना है. स्टिक टू बेसिक एनसीईआरटी फॉर जनरल साइंस. एंड सेवेंथ वन इज योर करंट अफेयर्स. ठीक है, तो करंट अफेयर्स अब देखो, अगर आप चाहो तो आप लास्ट वन ईयर के भी करंट अफेयर्स कर सकते हो, बट देन यू हैव टू थिंक कि इसका जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है वो क्या है. कि अगर आप करंट अफेयर्स पे दिन पूरा अपना वेस्ट कर, मतलब वेस्ट नहीं, पूरा स्पेंड कर देते हो, 5 आवर्स या 4 आवर्स आप करंट अफेयर्स को देते हो पिछले 1 साल का करने में, तो उसमें आपको कितना रिटर्न मिलता है. हाई चांसेस होते हैं जो लास्ट के आपके मंथ गुजरे हैं, जैसे अभी आपका क्या चल रहा है, अगस्त आने वाला है, तो आप कैसे जुलाई हो गया, जून हो गया, मई हो गया, अप्रैल, मार्च, तो मेजोरिटी क्वेश्चंस है लास्ट के 5-6 महीने से आ जाएंगे. ठीक है, अगर लेट सपोज करंट अफेयर्स से आपको वो 7 क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, 7 क्वेश्चंस, 7 में से ऐसा नहीं हो सकता कि पिछले 6 महीने में कोई भी करंट अफेयर उनके दिमाग में या उनकी नजरों से ना गुजरा हो जो आपको नहीं पूछे. तो उन 7 में से 4 करंट अफेयर्स जो है वो रिसेंट ही होंगे. तो जो 3 करंट अफेयर्स पुराने साल 1.5 साल वाले आने वाले हैं, उनके लिए आप कितना टाइम लगाओगे, एंड बाकी सारे कॉम्पोनेंट्स आपके ऐसे ही रह जाएंगे. तो आई वुड सजेस्ट, अगर आप न्यूज पेपर पढ़ते हो, कॉन्टिन्यू डूइंग दैट. अगर आप नहीं पढ़ते हो तो विजन आईएएस का जो मंथली मैगजीन है इन मंथ्स का, वो डाउनलोड कर लो एंड वो पढ़ो. अगर फिर आपको वो कम लगता है, फिर आप प्लस फोरम आईएएस जो है, फोरम आईएएस एंड विजन आईएएस, ठीक है, मैं एक बारी ये सीधे लिख लेती हूँ. ऑल्दो ये सबको ये नाम पता होंगे, लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि वो स्टूडेंट्स भी हैं जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं एंड उनको नहीं पता विजन कौन है और फोरम कौन है. ठीक है, तो करंट अफेयर्स में आप क्या करोगे, विजन आईएएस प्लस फोरम आईएएस. ठीक है, इनके जो करंट अफेयर्स है लास्ट 5 to 6 months के वो फॉलो करोगे. फिर मेंस जब आएगा, मेंस में मेंस के करंट अफेयर्स करना इज कंपेरेटिवली इजियर, क्योंकि मेंस का हमें पता होता है कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज लास्ट के 5-6 महीनों में हुए हैं, तो मोस्टली क्वेश्चन उन्हीं के अराउंड आते हैं. तो उसके लिए विजन आईएएस की मेंस 365 आती है, जिसमें पिछले पूरे साल का राउंड अप दिया होता है, तो वहां से आपका मेंस का करंट अफेयर्स आराम से कवर हो जाएगा. ठीक है, तो ये है एक सिलेबस का मैंने आपको ओवरव्यू दिया, जिसमें सारा मैंने आपको डाइसेक्शन दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो पूछी जाती है. अब मैं अभी फिलहाल मेंस करवा रही हूँ फ्री में यूट्यूब पे, बट आई एम ट्राइंग टू, मतलब आई एम मेकिंग अ प्लान कि मुझे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं एक पेड बैच लेके आऊँ प्रीलिम्स का, जिसमें 3 months में मैं सारी इंपॉर्टेंट चीजें उनको कवर कर रहा हूँ. तो अगर मैं ऐसा कोई बैच लॉन्च करती हूँ, आई विल अपडेट यू गाइस. ठीक है, अदरवाइज यूट्यूब पे मेरे वीडियोज आते ही रहेंगे, प्लस मेन्स का जो बैच है वो भी मैं स्टार्ट करूंगी मेन्स का, तो उसमें आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, कंटेंट और आपकी टेस्ट सीरीज भी उसमें इंक्लूडेड होगी. टेस्ट सीरीज के साथ मॉडल आंसर्स भी होंगे एंड उन मॉडल आंसर्स पे कुछ वीडियोस वगैरह भी होंगे, जिससे आपको आंसर राइटिंग का पता चल जाएगा. प्लस आपको इसमें कोई डाउट सॉल्विंग वीडियोस, जैसे आपके काफी डाउट्स जो होंगे किसी भी चीज को लेके, आप मुझे अपने डाउट्स मेल करोगे या मैसेज करोगे, तो वो डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस जो है वो भी हम कंडक्ट करेंगे. ठीक है, तो अगर आपको कोई भी कोर्स मेरा परचेज करना हो, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी मेरी वेबसाइट की, वहां से आप कर सकते हैं. ऐप अभी मेरी करंटली अंडर प्रोसेस है, क्योंकि इट टेक्स 3 to 4 months टू बिल्ड एन ऐप. मैंने उनसे कहा है कि वो जल्दी करें, 4 month, 1 month के अंडर इट्स एक्सपेक्टेड कि ऐप मेरी रेडी होगी. तब तक आई एम ऑपरेटिंग फ्रॉम माई वेबसाइट ओनली, तो आप सारे वीडियोज जो है मेरे वो वेबसाइट पे देख सकते हैं. एंड प्लस मैं एनटी वगैरह के कोर्सेज भी लेके आ रही हूँ, एसआई सब इंस्पेक्टर एनटी, वो भी अगर आपको परचेज करना होगा तो आप मेरी वेबसाइट से कर सकते हैं. तो टिल द टाइम आई अपलोड न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.